अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इट्स अरूबा हेयर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ पाकिस्तानी आलू के समोसे की रेसिपी शेयर करूंगी। समोसे बनाने के दो स्टेप्स हैं कि शेप और उसकी फिलिंग। मसाला बनाने के लिए मैंने लिए हैं 1 किलो आलू, इनको मैंने बॉईल कर लिया है, 1 प्याज, 2 ग्रीन चिलीज, 1 स्पाइसी और 1 थोड़ी लाइट वाली, और इसके अलावा हरा धनिया, सूखा धनिया 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून और लाल मिर्च भी 1/2 टीस्पून लिया है मैंने। समोसों का आटा गूंदने के लिए मुझे चाहिए होगा 1/2 किलो मैदा, 1 टीस्पून ऑयल, 1/4 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून अजवाइन। मैदे में पहले नमक, अजवाइन और तेल डाल दें और इसको पानी के साथ गूंद लें। समोसे बनाने के लिए आटा तैयार हो गया है, अब इसको मैं प्लास्टिक से कवर करके रख दूंगी। अब हम समोसों की फिलिंग बनाएंगे। मसाला बनाने के लिए पहले मैं आलू बारीक काट लूंगी। प्याज को क्यूब्स में काट लें। वन टेबल स्पून ऑयल डालें और प्याज को फ्राई करें। प्याज को ब्राउन नहीं करना। अब इसमें सब्ज़ मिर्च बारीक काट कर शामिल कर दें। अब नमक, मिर्च, सूखा धनिया ये सब चीज़ें डालकर अच्छे से फ्राई कर लें। मैं थोड़े स्पाइसी रखूंगी और आप इसमें नमक और लाल मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर लें। इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको भूनें। इसके बाद इसमें आलू शामिल कर दें। अब सब्ज़ धनिया भी बारीक काट कर शामिल कर दें। मसाले को अच्छे से मिक्स कर लें और अब हमारा मसाला रेडी है। अब इसको थोड़ी देर के लिए कवर करके रख दें। अब मैदे की चपाती बनाने के लिए हाथों को ऑयल लगा लें और इसके बाद छोटे छोटे पेड़े बना लें। चपाती को बेल कर बारीक कर लें और इसको हल्की आंच पर पकाएं और ध्यान रहे कि चपाती ज़्यादा ना पक जाए।
और इनको पोने में ढांप के रखें, क्योंकि ठंडा होने से ये खुश्क हो जाती हैं और सख्त हो जाती हैं। अब एक बड़ी चम्मच मैदा लें और उसमें पानी शामिल करके इसका मिक्सचर बना लें। अब चपातीज़ को दरमियान में से काटें और दो पीसेस में कर लें। अब हम समोसे की शेप बनाएंगे। उसके लिए हम इन दो किनारियों पर पानी और मैदा लगाएंगे और इसको अच्छे से बंद कर लेंगे। अब समोसे में एक बड़ी चम्मच मसाला डालें और इसको बंद कर लें। और आखिर में हम जो इसकी बाहर वाली साइड है इसको कांटे के साथ प्रेस करेंगे, इससे शेप भी अच्छी बन जाएगी और बंद भी अच्छे से हो जाएगा। इस तरह से तैयार करके समोसे फ्रीज भी कर सकते हैं। समोसे को ऑयल में डीप फ्राई करें। ये हमारे सिंपल एंड क्रिस्पी समोसे तैयार हो गए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।